एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं राइड पे घूमने पहाड़ों की तरफ। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो देखिए मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। तो अभी हम निकल रहे हैं, जस्ट हमारे दो दोस्त आने वाले हैं, आगे मिलते हैं उनसे। और यहाँ पे हमारे दोस्त आ चुके हैं और हम चल रहे हैं, तो मिलते हैं आपको आगे। और अभी हम यहाँ पे हैं कागदाम पे, और यहाँ से रानीखेत 82 किलोमीटर है। जैसे कि जो पहले हम जा रहे थे भीमताल के रास्ते से, अब वो रास्ता थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो इसलिए हम यहाँ नैनीताल होते हुए जाएंगे। तो देखते रहिए व्यू, यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यू है और आज तो मौसम भी बहुत बढ़िया है। हमारे दोस्त लोग आगे चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बाइकों को यहाँ से जाने दे रहे हैं, और यहाँ से अभी हम पहले जाएंगे भीमताल। भीमताल में आपको जाके भीमताल लेक दिखाई जाएगी, और अभी आपको पुल दिखाते हैं जो बहुत ख़राब कंडीशन में है, गिरने वाला है पुल। अभी कोई भी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ रास्ते से नहीं चल रही हैं, सिर्फ मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह छोटे वाहन जो चल रहे हैं। देखिए सिर्फ बाइक जाने का रास्ता बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए काम चल रहा है बहुत। और यहाँ पे बारिश आने लग गई है, और हम देख सकते हैं बारिश में। और हम पहुँच गए हैं भीमताल में, यहाँ पे भीमताल के भी आपको लेक देख सकते हैं। अरे रेनकोट भी रखा है क्या? रेनकोट
डुबके खाना है, हमारा मन हो रहा है डुबके खाने का। डुबके खाएंगे हम आज। हल्द्वानी से भटके डुबके खाने आए लौंडे कोसानी। यही है यही है पूछ ले आप। यही है मेरे ख्याल से। यही है मैं थोड़ी सी दुकान करती हूँ। यही क्यों आ रहा है? यही है यार, इसी से बन गई थी। भैया खाने में क्या है? क्या है वो फेमस डुबके वाला? यही है क्या वो? और हम पहुंच चुके हैं फेमस लो डुबके खाने। मिलते हैं यार, यही है। हाँ यही दुकान है। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे डुबके खाने। रेस्ट कर रखा हमने। ये हमारी गाड़ियाँ बहुत प्यारी जगह है। लोधी सोमेश्वर और रानीखेत के बीच में, ये यहाँ के ओनर हैं। ये हमारे ओए फूडी, ये उनके भाई। ये पूरा रेस्टोरेंट है, देखिए अंकल ने डुबके बेच बेच के बना रखा है रेस्टोरेंट। तो अभी हम डुबके भात खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा लगा। अभी हमारा खाना लग चुका है यहाँ पे डुबके भात। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है डुबके, ये हमारे राइस, ये चने और घोत की दाल है, और ये यहाँ की स्पेशल चटनी और मूली। तो आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ी खाना खा रहे हैं हम आज पहाड़ी जगह में। बहुत ट्रिप जो हो रही है बहुत मस्त हो रही है। तो मिलते हैं हम, खाना एंजॉय करते हैं। देखिए हमारा खाना यहाँ पे लग चुका है, इनने खाना खा भी दिया है और हम खाएंगे, खाते खाते वीडियो बनाएंगे। तो हम खाना टेस्ट करते हैं। अंकल गिलास पे आओ। नहीं बहुत बढ़िया हो रहा है। और जो हमारी बाइक है वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है क्योंकि उसका सेल्फ में थोड़ी दिक्कत कर रही है। काफ़ी दिनों से थोड़ा बाहर खड़ी हुई थी बरसात की वजह से, तो उसके सेल्फ में थोड़ी दिक्कत और बैटरी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो बेसिकली आज हमारा खाना यहाँ पे हो चुका है और काफ़ी हमें लेट हो गई है, जिसके कारण आज हम घर नहीं जा रहे हैं और हम कोसानी में ही स्टे करेंगे। और कोसानी में हमें स्टे करा रहे हैं पंकज, जो मेरा बचपन का स्कूल फ्रेंड है, वो कोसानी में ही रहता है। तो आज जो हमारा स्टे है वह कोसानी में है, और कल हम जो एक्सप्लोर करेंगे कोसानी, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, और वहीं से एक छोटा सा ट्रैक निकलता है रुद्रधारी वाटरफॉल की तरफ, तो वहाँ भी हम इन्जॉय करेंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है कोसानी में। और जो कोसानी यहाँ से है करीबन 15-20 किलोमीटर है, क्योंकि हमें यहाँ से पहले जाना है सोमेश्वर। सोमेश्वर से हम जाएंगे कोसानी, और जो कि बहुत मज़ा आ रहा है राइड करने में। काफ़ी टाइम से हम ऐसे निकले भी नहीं थे राइड पे, और आज फाइनली हम निकल चुके हैं राइड पे। और कल का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो बहुत तबाही होने वाला है, क्योंकि हम छोटे से ट्रैक पे जाएंगे आगे और खूब फन करेंगे वहाँ पे। हम खाना भी वहाँ पे हम बनाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टॉल वगैरह नहीं रहता है। पर यहाँ पे एक दिक्कत आ चुकी है, क्योंकि जो मेरी GoPro की बैटरी है वो बहुत डाउन हो चुकी है, क्योंकि मैंने देखा नहीं, फुल चार्ज नहीं थी घर से जब मैं निकला था, और मेरे पास कोई एक्सटर्नल बैटरी भी नहीं है उसको लगाने के लिए। तो जो व्लॉग है वो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल बनाए तो चैनल को लाइक करें।